कोविड से बचाव के लिए पूरे भारत में 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने का कार्य होना है। इसी को लेकर नैनीताल जिले में भी वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हल्द्वानी में वैक्सीन लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। सीएमओ भगीरथी जोशी ने कहा कि पहले दिन हर सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज और महिला चिकित्सालय में सेंटर बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 12,000 डोजेस उनको मिली है, जिसमें वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कोर्ट चयन स्थान पर एक दिन पहले ही वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें जनरल पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। द्वितीय चरण में फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी और उसके बाद 50+ वालों को लगेगी वैक्सीन। हमें 12,010 डोज मिली है अभी हमें, और वैक्सीन वैन है हमारे पास, इंसुलेटेड वैन है। इसके द्वारा हम डिफरेंट साइट्स पे, कोल्ड चेन पॉइंट्स पे इसको पहुंचाएंगे। जो तिथियां निर्धारित हैं उससे एक दिन पहले वैक्सीन वहां पहुंचेगी, और जब वैक्सीन बचेगी वो भी उसी चैनल से वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में लाई जाएगी। हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी में किस तरह की तैयारी है और पहले स्टार्टिंग कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? हल्द्वानी के 100 लोगों के बैच में 3 सेंटर पे 300 लोगों को प्रथम दिवस वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 17 तारीख को हम 10 सेंटर्स पे और वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीनेशन पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। जैसा कि सभी को विदित है, पूरे देश भर में 16 तारीख को वैक्सीन लॉन्च हो रही है, तो हमारे नैनीताल ज़िले में भी 3 साइट्स पर हम वैक्सीन लगाएंगे उस दिन। बीडी पांडे महिला चिकित्सालय हल्द्वानी और मेडिकल कॉलेज में। हाँ देखिए, ये कोरोना की वैक्सीन हमारे जनपद में आ चुकी है। इसमें जो हमारे स्टोरेज पॉइंट है वहाँ पर हमने अपनी पीएससी गार्ड यहाँ पर लगा रखी है। इसी के अतिरिक्त इसका जो ट्रैवल प्लान है उसके हिसाब से भी हमने जो है ड्यूटीज़ लगाई हैं, और जो कल से वैक्सीनेशन भी शुरू होना है तो उन पॉइंट्स पे भी हमने एक्स्ट्रा पुलिस ड्यूटी रखी है, ताकि वहाँ पर लोगों की कोई ऐसी भीड़ ना हो। बहुत लिमिटेड लोगों को चूँकि बुलाया जा रहा है, तो अनावश्यक वहाँ पर दर्शक के रूप में लोग ना इकट्ठे हों, और चूँकि ये दूरी पालन कराने का मामला है तो हम उसके हिसाब से लोकल थानों को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है और वहाँ पर व्यवस्था हम ठीक रखेंगे। ट्रांसपोर्टर लेकर के जैसे वैक्सीन आएगी उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह की गई है? हाँ देखिए, वाहनों के साथ में जो आ रहा है उसमें हमने अपने गार्ड को भेज रखा था, और गार्ड के द्वारा ही हमारी यहाँ वैक्सीन पहुँची है। हल्द्वानी में इस समय स्टेशन है, यहाँ पर भी हमने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, और जो यहाँ से जब मूवमेंट होगा उस प्लान के साथ हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में लगे हुए हैं, और उनके साथ भी हम यहाँ से गार्ड में ही भेजेंगे वैक्सीन।